गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर, कैसा रिजल्ट आपका? अच्छा रहा। कितना परसेंट बने? 80। तो सर कैसा है स्कूल के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों की? बहुत अच्छी चल रही है। स्कूल की नई नई गतिविधियाँ देखते हैं मोबाइल पे? देखते हैं ना। कुछ वो सजेशन देना चाहते हैं? अच्छा, आप संतुष्ट है रिजल्ट से? बिल्कुल संतुष्ट है। 97% है। वाह, बहुत अच्छे। तो अगर 10 में से स्कूल के नंबर देना चाहें कितना देंगे आप? 100% देना चाहिए। 100%। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी सर, कैसा रिजल्ट रहा आपका? अच्छा रहा, 99%। 99% सर, कांग्रेचुलेशंस जी। थैंक यू सर। आप स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल बढ़िया है। स्कूल की एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स वगैरह, पढ़ाई के बारे में? हाँ नहीं, अच्छी है, सब जगह से देख लिया। इसको पिछली बार चेंज करके देखा था, इस बार जी सर तो इस बार अच्छा इम्प्रूवमेंट है। हाँ इम्प्रूवमेंट है, अच्छा रहा। आप सेटिस्फाइड है सर स्कूल? हाँ सेटिस्फाइड है जी सर। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस थैंक यू सर। अच्छा रहा। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 10 जी सर। थैंक यू। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आपके बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा? अच्छा है सर। स्कूल के बारे में कुछ? स्कूल के बारे में अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं। और सर एक्टिविटीज? वो भी अच्छा है, मेरे को तो अच्छा दिख रहा है सब। सर स्कूल को 10 में से कितने मार्किंग देंगे? रवि को तो 10 में से 10 देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, कहाँ से आते हैं आप? मक्सी। मैम कैसा रहा रिजल्ट? बढ़िया। आप स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर लोग भी बहुत अच्छे हैं, बच्चों पे अच्छा ध्यान देते हैं। अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है जी। बच्चों पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। बच्चों को स्कूल आना अच्छा लगता है? नहीं, पसंद आता है। मेरा बेटा तो अभी इस बार थोड़ी सी ज़्यादा छुट्टी हुई, पर ऐसे आता है। और अभी छोटा भी तैयार हो रहा है, ये भी आएगा। ओके मैम, आप 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 10। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून अंकल। गुड आफ्टरनून। आपके आपने रिजल्ट ले लिया? हाँ ले लिया। कितने परसेंटेज आए? 95। और आप सेटिस्फाइड है इस रिजल्ट से? है। और आपने स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है, आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे और स्टूडेंट ग्रुप पे, फेसबुक पे, तो आप उन एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, बढ़िया चल रहा है सब। और आप हमारे स्कूल को 10 में से कितना रेट करना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है आपका। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 10 देना चाहिए। थैंक यू। ठीक। ओके गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मनीष जैन। कहाँ से आते हैं सर आप? मक्सी। ओके सर, कैसा रहा रिजल्ट? बहुत बढ़िया अक्सर है। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में, स्टाफ के बारे में, पढ़ाई? पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, बस आगे यही उम्मीद है कि ऐसे ही उचित मार्गदर्शन मिलता रहे ताकि बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। सही और उचित मार्गदर्शन सभी टीचरों का मिलता रहे, अभी तक तो बहुत बढ़िया है, तो आगे भी यही अपेक्षा है कि वैसे ही मिलता रहे ताकि इनका रिजल्ट और ये आगे और तरक्की करें और उन्नति करें। सर आप 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? पूरे 10 ही मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम जी। कैसा रहा आपके बच्चे का रिजल्ट? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा। कितने परसेंट बने आपके बच्चे के? 97। आप इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं? जी। और आप स्कूल में एक्टिविटी असेंबली प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा रहा इस स्कूल में प्रेजेंटेशन और सब बहुत बढ़िया रहा। और आप हमारे स्कूल को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 90। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, कैसा रहा आपके बच्चे का रिजल्ट? बढ़िया रिजल्ट। सर आप स्कूल के बारे में, पढ़ाई के बारे में? स्कूल बहुत बढ़िया है और स्कूल से हम संतुष्ट हैं पूरी तरह से जी सर। सब टीचर की अच्छी मेहनत है। हाँ। और बढ़िया है स्कूल, 15 साल से संतुष्ट हैं स्कूल से। अच्छा सर। हाँ। और सर अदर एक्टिविटीज़ वगैरह? प्रिंसिपल सर, स्टाफ? प्रिंसिपल सर की बहुत मेहनत रही और वो उनकी इंटरनेशनल की तरह उनकी सोच भी इंटरनेशनल है, वो नई नई चीज़ लाते हैं और अच्छे बच्चों को फीडबैक देते हैं। ओके सर, आप 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 10 में से 10 मार्क्स। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आपके बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और सर उस बार से बढ़िया है? सब बढ़िया। और सर स्कूल के बारे में? स्कूल बहुत अच्छा है, सर मैडम बहुत अच्छे से समझाते हैं बच्चों को, और हमारी बच्ची का पहले रिजल्ट थोड़ा डाउन था, अब थोड़ा प्रोग्रेस करा है उसने। और सर एक्टिविटीज़? अब उनको मालूम है मेरे को क्या बताया इसके बारे में।
और सर 10 में से कितने मार्किंग देंगे आप हमारे? 10 में से 10। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल के बारे में, स्कूल तो अच्छा चल रहा है। जैसे बच्चे को अभी वहाँ से लाए थे जब 51% हुए थे, अभी 61 पे आ गया है और ये बच्चा तो 81 पे पहुँच गया है। पढ़ाई अच्छी है पर इनकी राइटिंग में सुधार कम आ रहा है थोड़ा सा, वो ध्यान देने की ज़रूरी है। और ये जो यहाँ से घर पे जाते हैं तो इन पे ये दबाव नहीं है कि लिखना है कि लिख के लाना है कि क्या है, थोड़ा सा ये दबाव चाहिए। नहीं वो चीज़ें तो होती है पर राइटिंग का इनको खुद को भी देखना पड़ेगा ना, घर पे जाके वो लिखते नहीं है तो कैसे सुधरेगी उनकी राइटिंग? आप बोल रहे तो यहाँ से डर रहता है ना कि राइटिंग करके नहीं लाए आप, ये लिख के नहीं लाए, क्लास से जैसे क्लास टीचर ने दे दिया कि ये पार्ट करके लाना है आपको, तो वो पार्ट करके नहीं लाए तो वो यहाँ डर रहना चाहिए कि यार अपन नहीं लाए, लिख के तो मैम मारेगी या कुछ भी, ऐसा थोड़ा सा दबाव डर रहना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर कहाँ से आते हैं आप? पांड्या सर। सर क्या नाम है आपका? कुलदीप पांड्या जी। सर कैसा रहा आपके बेटे का रिजल्ट? गुड तो गुड है, वेरी गुड तो नहीं बोलेंगे जी। सर आप स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में तो पढ़ाई बढ़िया है लेकिन ये घर पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं जी सर। और अदर एक्टिविटीज वगैरह? अदर एक्टिविटीज बढ़िया है सर। स्टाफ के बारे में? स्टाफ भी बढ़िया है, इनका अच्छा सहयोग है पढ़ाने में जी सर। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप? 10 में से 8। ओके सर, थैंक यू। आपका नाम क्या है? पंडित श्रीराम जोशी। आप कहाँ से हो? मक्सी से। और कितने परसेंटेज बने? बच्चों के अच्छे परसेंटेज बने हैं, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा। हमारे 4 बच्चे पढ़ते हैं, मेरे छोटे भाई के और मेरे, और सभी के अच्छे परसेंटेज बने हैं और व्यवहारिक ज्ञान भी इनमें बहुत आया है। जो एक सामान्य ज्ञान हम जो शिक्षा के उद्देश्य से हम बच्चों के यहाँ भेज दिया जाता है कि स्कूल में विद्यालय में हम बच्चों को शिक्षित बना सकें, और शिक्षित के साथ में अगर सामान्य ज्ञान भी अगर मिल रहा है स्कूल से, सबसे बड़ी उपलब्धि है अगर ये देखा जाए तो, और वो उपलब्धि हमें यहाँ मिल रही है। हम पूरे संतुष्ट हैं स्कूल में जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करके। और आप स्कूल को 10 में से कितना मार्क देना चाहेंगे? 10 में से 10। थैंक यू सर जी। वेलकम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कैसा रहा आपकी गुड़िया का रिजल्ट? बढ़िया है मैडम। सर आप स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है मैडम, बहुत बढ़िया है। स्कूल की पढ़ाई, टीचर्स, प्रिंसिपल सर, एक्टिविटीज, सारी चीज़ बहुत बढ़िया है। अच्छा है, सभी सब अच्छा है। हाँ सब बढ़िया है। ओके सर, आप 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 10 में से कितने नंबर? 9। 9। ओके सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आपके बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा? बच्चों का रिजल्ट बहुत शानदार रहा है, पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत बढ़िया लड़कों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछली बार मेरे इस लड़के का 8th रैंक आई थी और इस साल बहुत अच्छा कवर किया है और 4th रैंक आई है इसकी, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस साल। सर स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल के बारे में बहुत बढ़िया स्कूल है अन्य स्कूलों के मुकाबले, और यहाँ पर अच्छा सिखाया जाता है, स्पोर्ट्स, टीचिंग और प्रेजेंटेशन, क्विज की पाठशाला, बहुत अच्छी एक्टिविटी कराई जाती है। सर अब हमारे स्कूल को 10 में से कितने मार्किंग देंगे? 10 में से लगभग मैं 10 ही मार्क्स दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चों तीनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस साल और अच्छी एक्टिविटी की है। थैंक यू सर। थैंक यू।